ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है, उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और ये धर्म गुरु बैठे हैं इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर चाहता उनको अफ्रीका में उतारता, वो अगर चाहता स्विट्जरलैंड में उतारता, वो अगर चाहता दुनिया के किसी मुल्क के अंदर उतारता, लेकिन उसकी हिकमत कि उसने सबसे आखिरी नबी, नबियों के सरदार को कर उतारा तो अरब की सरजमीन में उतारा। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान और सारी दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी ये अव्वल जमान को, हजरत आदम को जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। अगर वो चाहता तो आदम को अफ्रीका में उतार देता, अगर वो चाहता तो आदम को अरब में उतार देता, अगर वो चाहता रूस के अंदर उतार देता, लेकिन नहीं। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया। इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर नहा एक आदम था, उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किस्म नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहां तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं, हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है,
उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने समझा। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर, जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको, उनके पुतले को, पहले धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी, सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की, जितने रंग की मट्टी थी, आदमी आदम की औलाद, मनु की औलाद, मनुष्य की औलाद, उतने ही तरह उतने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है, आदमी के दिल के अंदर सख्ती है, कोई मट्टी नरम है, जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इस धर्म की खसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे कराऊं। कुरान कहता है अल्लाह ने उनके दिल के अंदर डाला, तलक्का आदम मिन रब्बिहि कलिमातिन फतबा अलैह। वो बात क्या थी? कुरान कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे और मेरी पत्नी हमवती के मालिक पालनहार, हमसे गलती हो गई, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। ऐ ओम, ऐ अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। फिर उसके बाद उनकी औलाद चल पड़ी इसी धरती के ऊपर, उन्होंने चराग एक ओम यानी एक अल्लाह की इबादत का इस भारत की धरती पर दुनिया में सबसे पहले जलाया था। कुछ दिनों के बाद वो चले गए दुनिया से, अपनी औलाद को ये सबक दे कर गए। उनकी औलाद जानती थी कि पालनहार कौन है। कुरान के अंदर दो भाइयों का जिक्र आता है, आदम की औलाद, एक दूसरे में लड़ाई हो गई। एक ने कहा लाक्तुलन्नक, मैं तुझे जान से मार कर ही दम लूंगा। ये दुनिया के अंदर हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये दुनिया में सबसे पहला कत्ल है। दूसरे भाई ने क्या कहा,
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. अरे भाई अगर तू मुझे कत्ल करेगा, हाथ बढ़ाएगा, मैं तो तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा।